Hi, my beautiful Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aquarius? धन्यवाद आप सभी का जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. एंड मेरे वीडियो के नीचे यहाँ पे भी नंबर मेंशन है, पर नंबर सेव करो, हाई भेजो, कोई फायदा नहीं है. व्हाट्सएप लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करो, व्हाट्सएप का मेरा चैट खुलेगा एंड हाई भेजो. एंड सीरियसली पर्सनल रीडिंग बुक कराओ. ओके एक्वेरियस, देखते हैं कि आपकी नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली, ओवरऑल क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके पहले देखते हैं ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके लेट्स सी. यू गॉट द मेक द एफर्ट. नाइस, दिस कुड बी द वन. ओके एंड यू गॉट लुक बियॉन्ड इल्यूजन. ओके लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ठीक है, एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ नवंबर 2024. ओके लेट्स कट द डेक. लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज किंग ऑफ सोर्ड्स. इंटेंशन ऑफ योर पर्सन इज एस ऑफ कप. फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन इज चैरियट. वेरी नाइस. योर एनर्जी सेवन ऑफ कप्स एंड फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज द मजिशियन. वाओ. ओके बॉटम ऑफ द डेक इज फाइव ऑफ वॉन्ड्स. मेरे हिसाब से एक्वेरियस आप शायद लिटरली दो लोग के बीच में कंफ्यूज हो सकते हो. आपके पास लाइक दो लोग आपको लव ऑफर दे रहे, दैट कैन बी वन केस. बट लेट मी जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ठीक है, जोडियक साइन पहले बता देते हैं. जोडियक साइन इज कैंसर, वेरी स्ट्रांगली कैंसर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई एंड सैजिटेरियस एंड अनदर एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओवरऑल एनर्जीज की बात करते हैं. एक्वेरियस दे रियली लाइक यू, पसंद बहुत करते हैं आपको. मेरे हिसाब से आपको एक बहुत बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है तमीज़दार, तमीज, लहजा, जिसके अंदर लहजा होता है, जिसके अंदर, जिस इंसान के अंदर तमीज़ होती है. तो सोफिस्टिकेटेड आपको बहुत समझते हैं, प्रॉपर समझते हैं आपको कि आप अच्छे से काम करते हो, अच्छे से बोलते हो, अच्छे से सब कुछ, अपने अपना मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं. फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी क्लैरिटी आते हुए दिख रही है इस कनेक्शन में. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग एक्वेरियस. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज किंग ऑफ सोर्ड्स. लाइक आई सेड कि आपको एक सोफिस्टिकेटेड, एक तहजीब वाला इंसान समझते हैं. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, बट आपको एक वैसा इंसान समझते हैं कि हाँ एक्वेरियस एक इस प्रकार का व्यक्ति है जो अपना, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ सब अच्छे से मैनेज करके चलता है. मेरे को दिख रहा है कि आप बड़े ही क्लमजी किस्म के पर्सन हो वैसे, बट इनको, आपके पर्सन को लगता है कि आप बड़े अच्छे हो, सोफिस्टिकेटेड हो, सब कुछ मैनेज करते हो. दैट्स वन एस्पेक्ट. सेकेंडली मुझे दिख रहा है करेंट एनर्जीज में आपको और जानना चाहते हैं. आपको एक सुलझा हुआ, एक बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन समझते हैं आपको. एक ऐसा व्यक्ति समझते हैं कि जो कि कुछ कभी गलत नहीं बोलता, कभी गलत नहीं करता, हमेशा अच्छे डिसीजंस लेता है लाइफ में. मेरे हिसाब से ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है. जो भी काम करते हो, जो भी कुछ भी कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट. और करंट एनर्जीज में कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं कि हाँ एक्वेरियस एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ मेरी जोड़ी अच्छी बैठ सकती. तो एक होता ना कि आपको कंसिडर करना रिलेशनशिप के लिए, या कमिटमेंट उतना नहीं है, बट हाँ एक रिलेशनशिप के लिए, एक पार्टनर के लिए आपको एक उस वैसा उस प्रकार का व्यक्ति ये समझते हैं, अपने लायक ये व्यक्ति समझते हैं आपको. करंट एनर्जीज काफी अच्छी किंग ऑफ सोर्ड्स है. एक और चीज बता देती हूँ, किंग ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ कप्स एंड मजिशियन, ये कोई टाइम पास एनर्जी में नहीं है. मतलब इनका कोई ऐसा इंटेंशन या एनर्जी मुझे नहीं दिख रही कि वो मुझे टाइम पास करना है, 1-2 महीने और फिर छोड़ छोड़ देना. नो, बहुत सीरियस व्यक्ति है. मतलब मेरे हिसाब से ये अगर किसी से बात भी करते हैं तो उसी इंटेंशन से बात करते हैं. मतलब रोमांटिकली मैं बात कर रही हूँ कि हाँ उसके साथ एक रिलेशनशिप आना है, फिर देखना कि फ्यूचर है कि नहीं. ये वैसा पर्सन ही नहीं है. मेरे हिसाब से काफी ओल्ड स्कूल पर्सन है. मतलब इनका रोमांस रोमांस का आइडिया होगा कि एक ही पर्सन हो, उसके साथ रहो, उसी के साथ जीवन व्यतीत करो. तो काफी ओल्ड स्कूल है.
ये इन ऑल्सो मुझे दिख रहा है इनके पास ना टाइम है ना एनर्जी है कि फालतू 100 लोगों से बात करो, डेट करो, ये करो, वो करो. नो, ये एक टाइम पे एक ही पर्सन पे फोकस करने वाले इंसानों में से हैं. सो करंट एनर्जी इज गुड है मेरे हिसाब से. आने वाले टाइम पे इनका कम्युनिकेशन दिस मंथ में आप देखना कि काफी आपसे बात करते हुए दिख रहे हैं, काफी मिलते हुए दिख रहे हैं, एफर्ट्स इनकी तरफ से काफी आते हुए दिख रहे हैं इस मंथ में. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द इंटेंशन पार्ट. या ये इंसान प्यार ढूंढ रहा है, ये इंसान रिलेशनशिप ढूंढ रहा है. दे आर लुकिंग फॉर लव, दे आर लुकिंग फॉर कमिटमेंट. मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले पानी पिया. अब फिर से पानी पीना हो गया, गर्मी एक्चुअली है काफी. एनीवे, बात करी जाए इंटेंशन की. इंटेंशन विद दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस, हैंड्स डाउन. इंटेंशन में मेरे मुझे ऐसा लग रहा है ये अभी ना इस इंसान ने अभी आपको लिटरली बता के नहीं रखा है कि हाँ मैं आपको पसंद करता हूँ. एक्वेरियस, दे हैव स्टार्टेड लाइकिंग यू. इनकी जो फीलिंग्स इमोशंस हैं आपके प्रति वो दिन बर दिन काफी बढ़ती जा रही हैं. और मुझे यही दिख रहा है, सॉरी एक्वेरियस, बार बार में एरीज की बोला. और मुझे यही दिख रहा है इंटेंशन में, दे आर लुकिंग फॉर लव. मतलब इन जनरल अगर आप इनसे एकदम पूछो, एकदम वो दिल की गहरी बातें करो, तो ये बोलेंगे हाँ मैं एक मुझे एक पार्टनर चाहिए, एक लाइफ में मुझे चाहिए कि कोई मेरे साथ एक पर्सन हो. मतलब ये इंसान, वही मैं बोल रही हूँ, ये इंसान एक जेन्युइन रिलेशनशिप चाहता है अपनी लाइफ में. और ये आपको ऐसा पर्सन देख रहे हैं. देखो ऐसा नहीं दिख रहा कि यस श्योर है बिल्कुल, बस आ ही रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, आपको कंसिडर कर रहे हैं. एंड दे वॉन्ट टू नो यू मोर एक्वेरियस, विच इज वेरी ब्यूटिफुल. फ्यूचर एक्शन में चैरियट, आई ये इंसान आ रहा है आपके टूवर्ड्स एंड दे आर गिविंग यू कमिटमेंट. बट इसमें जो चैरियट, जो जो चैरियट की एनर्जी होती है ना, वो थोड़ी स्लो मूविंग होती है. अब टाइमलाइन मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ, 4 से लेके 12 हफ्तों तक, विच इज 1 से लेके 3 महीने के अंदर अंदर ये आपको प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं. अब ये कोई भी टाइमलाइन हो सकती है, वो आपकी पर्सनल एनर्जी पर डिपेंड करता है. फ्यूचर एक्शन में देखो ये सेम आदमी है, ये सेम आदमी है. सो मुझे यही दिख रहा है फ्यूचर एक्शन, ये कमिटमेंट दे रहे हैं आपको, ये आपको रिलेशनशिप कमिटमेंट ऑफर कर रहे हैं. सेकेंडली मुझे दिख रहा है आप लोग काफी अगर आप लोग जैसे एक ही शहर में रहते हो, फॉर एग्जाम्पल शहर के कैफेज, रेस्टोरेंट, मॉल, शहर को, अपने शहर को काफी एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो मुझे. सेकेंडली यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि ये इंसान सीरियस है. मतलब ये अगर आपको रिलेशनशिप के लिए ऑफर कर रहे हैं, ये कमिटेड रहेंगे, ये लॉयल रहेंगे. मुझे ये भी दिख रहा है कि दिस पर्सन, ये पर्सन आपकी हमेशा, ये जो भी है ना, भले ही कितने भी प्रैक्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके मुंह पे रहे, ये है प्रैक्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रहा है, ये इंसान के अंदर ना बहुत एम्पथी है. एम्पथी का मतलब होता है कि सामने वाले के इमोशन समझना. तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि भले ही कितने प्रैक्टिकल हो, आपके मुंह पे आपको फैक्ट्स देंगे, आपके मुंह पे आपको रियलिटी चेक देंगे, दैट इज फॉर श्योर, ये हमेशा रियल ऑनेस्ट रहेंगे. क्या होता है ना कभी कभार जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं वो इमोशंस को समझ नहीं पाते, सामने वाले की इमोशंस नहीं समझ पाते. बट इन योर केस एक्वेरियस, मुझे यहाँ दिख रहा है ये प्रैक्टिकल तो रहेंगे बट ये आपकी इमोशनल नीड्स भी फुलफिल करेंगे विद द चैरियट एनर्जी. चैरियट इज ऑल अबाउट इमोशंस, इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ कैंसर. और वही मुझे दिख रहा है कि इंसान आपको हमेशा इमोशनली फुलफिल रखेंगे फॉर श्योर एक्वेरियस. ये ऐसा नहीं होगा कि प्रैक्टिकलिटी में कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, आपकी इमोशनल नीड्स की भी फुलफिल करेंगे फॉर श्योर. इनके इमोशंस आप लिटरली ऑब्जर्व करना, नवंबर में ये बहुत खोलेंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपने इमोशनल नीड्स के बारे में आपको बताएंगे. एंड दिसंबर से आई एम सीइंग दैट यस, 1 से 3 महीने के अंदर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो फॉर श्योर. यहाँ पे बस मैं एक गाइडेंस दूंगी क्योंकि मुझे बार बार ना जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी होती है ना, वो ओवरऑल एनर्जी डिपिक्ट करती है. तो मैं यहाँ नहीं रखती हूँ, मैं इधर हमेशा यहाँ साइड में रखती हूँ. एक गाइडेंस आ रही है आप दोनों के लिए, दिस इज गाइडेंस फॉर बोथ ऑफ यू. मुझे पता नहीं इसमें मुझे एनर्जी आई, या जो दूसरे मेरे हिसाब से ना आई फील कि आपके कोई फ्रेंड्स ओपिनियन दे रहे कि यार ये इंसान ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं. उन लोग की मत सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो. मेरे हिसाब से इनके भी फ्रेंड्स या कलीग्स बोल रहे हैं कि आप ठीक नहीं हो. और ये जो इंसान है ना, वो उनकी बिल्कुल नहीं सुन रहा, ये अपनी दिल की और अपनी दिमाग की सुन रहा है. तो दूसरों के ओपिनियंस मत सुनो, जो आपका दिल करे वो करो. ये गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए. लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी एक्वेरियस. जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, शायद आप दो लोग के बीच में कंफ्यूज हो सकते हो. देखो मेरी रीडिंग ना, मैं अपनी रीडिंग का एक रूल बताती हूँ. मेरी रीडिंग ना हमेशा एक इंसान को रख के देखो. अगर आपका मून साइन, राइजिंग साइन कुछ और है, तो वो रीडिंग किसी दूसरे इंसान के लिए रख के देख लो. सिंपल हो जाता है मैटर, राइट? बट मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी जो टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोज देखती हूँ पर्सनली,
जब मैं अपनी देखती हूँ, मैं सिर्फ अपना वर्गो सनसाइन देखती हूँ, क्योंकि मुझे कॉम्प्लिकेशन नहीं पालना कि मैं अपना पाइसीज भी देख रही हूँ, लीब्रा भी देख रही हूँ. नो, मैं सिर्फ हमेशा वर्गो देखती हूँ और वर्गो हमेशा रेजोनेट होता है. तो कहीं ना कहीं ये बस मैं गाइडेंस दे रही हूँ, अगर दो लोग के बीच में कंफ्यूज हो तो अपना राइजिंग मून साइन उस अकॉर्डिंग चेक कर लेना दैट. और मैं अपना अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि मैं ऐसे देखती हूँ. यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँ कि ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. दो तीन लोगों में कोई एक पर्सन, अगर आपको यही पर्सन ही अच्छा लग रहा है और अगर आप उस एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, उसी को चूज करो. यहाँ पे मुझे एक और चीज दिख रही है एक्वेरियस फॉर यू की, इज दैट कि यहाँ पे फियर्स भी मुझे दिख रहे हैं आपके माइंड में. फियर्स आपके माइंड में ये दिख रहे हैं, नॉट रिगार्डिंग टू दिस पर्सन. आपको ये फियर्स, यहाँ पे मुझे ये फियर्स दिख रहे हैं कि भाई कल को इसके साथ फ्यूचर होगा कि नहीं, रिलेशनशिप होगा कि नहीं, मैरिज होगा कि नहीं, कहीं फिर से मेरा दिल ना टूट जाए. देखो ये तो ये ऐसी चीजें हैं ना, वही आग का दरिया डूब डूब के जाना है, ये वैसी ही चीज है. सो मैं आपको यही बोलूंगी, देखो अगर आपको अपना हार्ट ब्रेक नहीं करवाना ना, तो इन सब चक्रों में मत ही पड़ो. फिर लव अब छोड़ दो, छोड़ दो लव एंड फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर पर्सनल लाइफ. बट अगर आपको फियर है कि हार्ट ब्रेक ना हो जाए, रिश्ता ना टूट जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, तो इन सब तो लव अफ के चक्करों में पढ़ो ही मत. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो जो फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में क्या हार्ट ब्रेक होगा, क्या शादी होगी, यू डोंट नो दिस, राइट? सो इतना क्यों फ्यूचर को सोच के बारे में सोचना. एक्वेरियस मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी, डू वट इज बेस्ट फॉर यू, फॉलो योर हार्ट, जो आपके दिल में कर रहा है. अगर आप इस पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो, तो लिव इन द मोमेंट. क्या होता है कि ये भी एक चीज होती है कि लोग ब्रेकअप कर लेते हैं बाद में, या कुछ भी हो जाता है, या नहीं सेपरेशन हो जाता है, आपके पास मेमोरीज तो बचती है ना उस इंसान के साथ, एक गुड मेमोरीज, एक गुड एनर्जी. तो उसको आप चेरिश, उससे उसको चेरिश करना सीखना चाहिए. जो पास्ट में हुआ उसको चेरिश करिए, जो लेसन सीखे उसको, जो आपने कुछ सीखा उसे सीखिए एंड मूव ऑन करिए लाइफ में. दैट इज वॉट लाइफ इज ऑल अबाउट, राइट? या तो हम क्रिब कर सकते हैं, या तो हम दुखी हो सकते हैं, या तो सिचुएशन से हम खुश, उस मेमोरीज से हम अच्छी अच्छी मेमोरीज को चेरिश करके लेसन्स लेके मूव ऑन कर सकते हैं, राइट? सो ये गाइडेंस आ रही है आप लोग के लिए, कैंसर, सॉरी एक्वेरियस. मैं बार बार कैंसर बोल रही हूँ, आपका पर्सन कैंसर हो सकता है, क्योंकि मेरे बार बार कैंसर चल रहा है मेरे माइंड में. डू वट इज बेस्ट फॉर यू एक्वेरियस, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. प्यार व्यार में दिल नहीं तोड़वाना, देन डोंट कम इन, देन डोंट कम इन दिस आग का दरिया, डोंट. इट्स एज सिंपल एज दैट. वही होता है कि कोई तो होना चाहिए लाइफ में एंड ऑल दैट शिट. तो क्या ही बोल सकते हैं, करना है तो करो, क्या ही बोले. द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज मजिशियन एनर्जी. सी यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर. मजिशियन में मुझे दिख रहा है कि आप लोग एक यूनिटी में, एक रिलेशनशिप में आ रहे हो. मुझे दिख रहा है कि ये इंसान एफर्ट्स कर रहा है यार, 100%. नवंबर में इस पर्सन से आपको एफर्ट्स मिलेंगे, जेन्युइन एफर्ट्स मिलेंगे. मे बी पास में शायद अपने करियर के वजह से थोड़ा डिस्टेंट है, बट ये एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हैं. मुझे दिख रहा है वही एक महीने, नवंबर इज ऑल अबाउट यू गाइज आर कमिंग क्लोजर विद ईच अदर. क्लोज तो आ रहे हो आप लोग एक्वेरियस फॉर श्योर. एंड फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, मुझे यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिख रहा है. कमिटमेंट, शादी तो नहीं दिख रही है, वो अगर आपको वो क्वेश्चन है तो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, बट अ गुड रिलेशनशिप आई एम सीइंग. एंड मेरे हिसाब से आप दोनों के बीच में इमोशनल कंपैटिबिलिटी तो बढ़ ही रही है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी आने वाले टाइम पे भी बढ़ेगी. दिस वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस, क्लेम कर सकते हो ये रीडिंग. बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो वीडियो. बाय बाय.